बिजली विभाग के जेई बैठे अनशन पर। खबर जालौन से, जहां बिजली विभाग के जेई जितेंद्र देव वर्मा के अनुचित निलंबन के विरोध में जालौन जिले के समस्त जेई मंडल कार्यालय प्रांगण में अमित कुमार शर्मा जिला अध्यक्ष बिजली विभाग की अध्यक्षता में ध्यानाकर्षण सभा का आयोजन किया गया, जिसमें ई सुमित कुमार साहू ने मांगों को लेकर कहा कि जब तक जितेंद्र कुमार को दोष मुक्त नहीं करते तब तक हम सब इसका विरोध करते रहेंगे। साथ ही जिला अध्यक्ष अमित कुमार ने कहा कि इस तरह से कार्रवाई करना उचित नहीं है, इससे कहीं ना कहीं हम लोगों को ठेस पहुंचती है और हम सब के मनोबल को तोड़ती है। इसी को लेकर समस्त बिजली विभाग के अपर अभियंताओं ने मांग की है कि शीघ्र ही उचित कार्रवाई करें। धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किस इन मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारी कोई मांग नहीं है, हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है हम उसके खिलाफ़ में बैठे हैं। हमारे एट में जेई साहब हैं जितेंद्र देव वर्मा, जिनका भी हाल ही में अधीक्षक अभियंत महोदय के द्वारा सस्पेंशन किया गया। उस सस्पेंड का जो उन्होंने रीज़न बताया है, उस रीज़न में हमारा अवर अभियंता कहीं भी दोषी नहीं है, मतलब वो निर्दोष है। हम लोगों की मांग है, जब आप खुद मानते हैं कि हमारा अगर साथी निर्दोष है तो उसको निर्दोषी बहाल करें। हम लोगों के पास में बस लेटर दे दें, निर्दोष बहाल कर दें, जो उनका कहना था, और हम लोग यहाँ से उठ के चले जाएंगे। अगर उन्होंने नहीं किया तो क्या करें? हम लोगों की ये मांग जाहिर रहेगी, और अगर ये नहीं किया तो हम लोग आगे जाके हमारा क्षेत्र से और केंद्र से जो सहयोग होगा उसको, केंद्र की जो हमारे आदेश होंगे उसके हिसाब से हम लोग आगे की रणनीति बनाएंगे। इसके बाद को लेकर जो है उन्होंने उनको जो है उन्होंने जिस जो उन्होंने आरोप उनके ऊपर लगाया है उसको वो स्वयं मानते हैं कि वो उसमें दोषी नहीं है, उसके ऊपर वो बताते हैं कि मेरे आरोप हैं क्या खुल के बताएंगे? हाँ, उनके ऊपर जो आरोप लगाया गया है कि ट्रांसफार्मर आपने समय से चेंज नहीं कराया, जिसके लिए वो खुद जानते हैं कि ये जो आजकल हमारे यहाँ पर वर्कशॉप बन चुकी है, वर्कशॉप पूर्ण रूप से जिम्मेदार है कि वो ट्रांसफार्मर को वो चेंज कराती है। जेई के द्वारा जो वर्क होता है वो क्या करता है, यहाँ से एक इंडेंट लगा देता है, जो कि उसने लगाया उसका उसने रिमाइंडर भी डाला। इसके अलावा जेई के पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उनके पास खुद ठेकेदार है, वो वहाँ पर नियम से आप लोग कर रहे हैं। ये हम लोग आज से, हम लोगों ने पहले उनसे ऐसी महोदय जी से बात हुई थी हमारी, और उन्होंने आश्वस्त किया था कि हम एक दो दिन के अंदर कुछ ना कुछ कार्रवाई करेंगे। आज हमारा 9 तारीख से, आज हम लोग 14 मतलब हम लोग 4-5 दिन से ज़्यादा निकल गए, लेकिन कभी भी अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस चक्कर में हम लोग यहाँ बैठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।